हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स सेट टू का क्वेश्चन नंबर 28 ऑनवर्ड्स करने चल रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करेंट ऑफ 35 एम्पियर। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। एक लंबा करेंट कैरिंग वायर है, करेंट कैरी कर रहा है, 35 एम्पियर का करेंट कैरी किया है। ठीक है, करंट कितना है? 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड बी एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। एक डिस्टेंस दिया हुआ है या आर गिवन है आपको 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपसे पूछ रहा है कि फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, फील्ड का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, वायर के कारण अगर आपको पता होगा कि एक वायर से आर डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू, याद रखिएगा, म्यू नॉट आई बाई 2πr। ये वायर के कारण होता है। कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इस कंडक्टर से आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये होता है। तो आपको तो सब कुछ गिवेन है। म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है? म्यू नॉट इज इक्वल टू 4π × 10⁻⁷। अच्छा, ये 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कीजिए तो 0.2 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा? 0.2 मीटर। अब आ जाइए, बी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। बी इज इक्वल टू 4π × 10⁻⁷ हो गया। करंट दिया है 35 एम्पियर बाय 2πr जो गिवन है। r का वैल्यू कितना है? 0.2। ठीक है, 2π से ये 2 बार में कटेगा। ठीक है, 0.2 से ये 10 टाइम्स में कटेगा। तो b का जो वैल्यू हो जाएगा 350 × 10⁻⁷ टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। अगर एक पॉइंट आप लेफ्ट साइड में लाते हैं तो आप लिख सकते हैं 35 × 10⁻⁷ टेस्ला, टेस्ला दैट इज इक्वल टू 35 माइक्रो टेस्ला। कितना आ जाएगा रिजल्ट? 35 माइक्रो टेस्ला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 चेक कीजिए आप लोगों को क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि राइट डाउन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए फैराडे का नियम लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए फैराडे का जब नियम लिखेंगे तो फैराडे का नियम क्या कहता है कि जब भी आप किसी क्वायल से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे, ठीक है ना, जब भी आप किसी क्वायल से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो उस क्वायल के अंदर ईएमएफ का इंडक्शन होगा। ठीक है, ईएमएफ का क्या होगा? इंडक्शन होगा। और वह ईएमएफ सिर्फ और सिर्फ तब तक होगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा। चेंज अगर नहीं होगा तो ईएमएफ में इंडक्शन नहीं होगा, ईएमएफ नहीं होगा। चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, ईएमएफ होगा उस क्वायल में। और दूसरा बात फैराडे ने कह दिया, क्वेश्चन उठा कि भाई कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो उन्होंने कहा कि ईएमएफ इंड्यूस जो होता है वह रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। तो देखिए फैराडेज लॉ दो बातें कहीं, फैराडेज लॉ, फैराडे ने जो दो बात कहा, पहला बात क्या कहा, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ सर्किट और क्वायल, कह सकते हैं आप लिंक्ड विथ अ सर्किट और क्वायल, ठीक है ना, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस, क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। किस चीज का इंडक्शन होगा बाबू? ईएमएफ का इंडक्शन होगा। एंड इट परसिस्ट ओनली सो लॉन्ग, कब तक रहेगा? एंड इट परसिस्ट ओनली सो लॉन्ग
ओनली सो लॉन्ग एज द चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यूज, एज द चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यूज। ये पहला बात कहा उन्होंने। दूसरा बात क्या कहा फैराडे ने कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द क्वायल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, इन अ क्वायल और अ क्लोज सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स या नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या कह सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के नेगेटिव के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। तो क्या होगा भाई, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई होगा, ई का जो वैल्यू होगा वो क्या, या ई किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, माइनस डी फाई बाई कितना, डी टी, ठीक है, ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी प्रोपोर्शनल। और अगर एन टर्म्स है, कितने टर्म्स है, एन टर्म्स, और ई प्रोपोर्शनल माइनस एन डी फाई बाई डी टी। आप कह सकते हैं कि सर यहां एन नंबर ऑफ टर्म्स है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन क्वाइल, नंबर ऑफ टर्म्स इन क्वाइल, याद रखिएगा नंबर ऑफ टर्म्स इन क्वाइल। तो इसका जो वैल्यू आता है, इधर हम लिख रहे हैं, कितना हो जाएगा, E इक्वल्स टू माइनस के एन डी फाई बाई डी टी, माइनस के एन डी फाई बाई डी टी, और E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, ये होता है। K का जो वैल्यू है SI में वन होता है, K इज इक्वल टू कितना है, वन होता है। इसी को हम लोग कहते हैं फैराडे का सेकेंड लॉ कहते हैं। कौन सा लॉ कहते हैं, फैराडे का सेकेंड लॉ कहते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29 के, फैराडे के दो नियम। क्वेश्चन नंबर 30 आपका कहता है, स्टेट हाउ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ मूविंग पार्टिकल वेरीज विथ देयर लीनियर मोमेंटम पी। कह रहे कि आप बताइए कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा होता है वो लीनियर मोमेंटम के साथ कैसे वैरी करता है, किस तरह किसी चलती कणों की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा उनके रैखिक संवेग के साथ बदलता है, ये क्वेश्चन हम लोग को देखना है। तो क्या होता है, डी ब्रॉगली से पहले क्या कहा गया कि लाइट जो है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट के पास ड्यूअल नेचर है। न्यूटन साहब ने कहा कि लाइट पार्टिकल है, उसके बाद की बात क्या चली, और प्लैंक्स ने भी प्रूफ किया ई बराबर एच न्यू से कहा कि लाइट पार्टिकल है, और बहुत सारे ऐसे फेनोमेनाज हैं लाइट के, घटनाएं हैं जिसके पता चलता है कि लाइट एक वेव भी है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक आ गया लाइट के पास। तो डी ब्रॉगली ने वहीं पे कहा कि केवल लाइट ही क्यों, दुनिया की जितनी भी चीजें मोशन में हैं उन सब के पास ड्यूअल नेचर है, सब के सब वेव के जैसा भी व्यवहार करते हैं और सब के सब पार्टिकल नेचर भी रखे हुए हैं। तो क्या स्टेटमेंट दिया डी ब्रॉगली ने, सुनिएगा, अ मटेरियल पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, सुनिए ध्यान से देखिएगा, अ मटेरियल पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, अ मटेरियल पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विथ स्पीड v, मूविंग विथ स्पीड v, किस स्पीड से चल रहा है, वी से, हैज अ वेवलेंथ लैम्डा, हैज अ वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ कितना है उसके पास, लैम्डा है एसोसिएटेड विथ इट
ठीक है ना, इसके साथ एसोसिएटेड है दैट द वेवलेंथ एंड दैट द वेवलेंथ इज, क्या कहा, मटेरियल पार्टिकल ऑफ मास ए मूविंग विद स्पीड वी हैज अ वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद इट, देन द वेवलेंथ इज, कह सकते हैं देन द वेवलेंथ इज रिलेटेड टू मोमेंटम, मोमेंटम P as follows. भाई किस तरीके से, तो कहा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, क्या कहा इन्होंने, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, किस तरीके से रिलेटेड है, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, दैट इज एच बाई पी बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम संवेग मतलब क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग होता है, ठीक है, इसको हम लोग डी ब्रॉगली रिलेशन भी कहते हैं, इस रिलेशन का नाम क्या है, डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली रिलेशन कहते हैं। एच क्या है यहां पे बाबू, एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, एच क्या है हम लोगों का, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ये चीज कहा था इन्होंने, और क्या था, लैम्डा क्या है यहां पे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और इन्होंने दो कंडीशन कहा, पहला बात क्या कहा, फर्स्ट चीज कहा कि इफ वी इज इक्वल टू जीरो, मतलब अगर मोशन में नहीं होगा, मोशन में नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो गया, वी अगर जीरो हो जाएगा तो एम भी जीरो हो जाएगा, और दुनिया के किसी भी चीज में जीरो से आप डिवाइड करेंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड, लैम्डा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब लैम्डा जो है अनडिफाइंड, हम लोग वेवलेंथ की बात नहीं कर सकते हैं, वेवलेंथ की बात नहीं कर सकते, अनडिफाइंड है, मतलब अगर कोई भी चीज, कोई भी चीज किसमें है, रेस्ट में है, भी मतलब जीरो मतलब किसमें, रेस्ट में है, तब हम लोग लैम्डा की बात नहीं करते हैं, उसके वेव मोशन की बात नहीं करते हैं, और अगर भी इनफाइनाइट हो गया तो दूसरी तरफ क्या देखा गया कि अगर भी को हमने इंफिनिटी कर दिया तो लैम्डा क्या हो जाएगा, जीरो, बहुत ज्यादा स्पीड से कोई चल रहा है तो उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो आप क्या कह सकते हैं, वेव्स आर एसोसिएटेड विथ मटेरियल पार्टिकल ओनली इफ दे आर इन मोशन, अगर मोशन में नहीं है तो वेव का कोई एसोसिएशन मटेरियल पार्टिकल के साथ नहीं है, आप कह सकते हैं कि वेव्स आर एसोसिएटेड विथ मटेरियल पार्टिकल, विथ मटेरियल पार्टिकल इफ They are in motion. अगर motion में नहीं होंगे तो किसी भी material particle से wave का कोई वास्ता नहीं रहेगा, कोई सब मतलब कोई rest में है तो आप उसके wave nature की बात नहीं करोगे, ठीक है। और एक चीज और बहुत important चीज, डी ब्रॉगली का जो wave था वो electromagnetic wave नहीं था, इसको भी दिमाग में रखिएगा, डी ब्रॉगली wave is not इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डी ब्रॉगली का वेव जो था वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं था, यह बात कहा डी ब्रॉगली ने। क्वेश्चन नंबर 31 आपका बोलता है कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, ठीक है ना, रेडियो एक्टिविटी क्या है, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, डिराइव द रिलेशन एन इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, वेयर टर्म्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, जहाँ पे उन टर्म का जो भी लिया गया है टर्म्स एन, एन नॉट, लैम्डा, टी, इनका अपना यूजुअल मीनिंग है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, तो अगर आप रेडियो एक्टिविटी को सुनेंगे तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, या फिर किसी भी सब्सटेंस से, कौन से सब्सटेंस से, कुछ यूरेनियम जैसे, थोरियम, रेडियम, ऐसे कुछ सब्सटेंसेस हमारे पास हैं जो अपने अंदर से स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद अपने आप रेडिएशंस निकालते हैं, ये जो घटना है ये घटना क्या कहलाता है सर, रेडियो एक्टिविटी कहलाता है, क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिविटी कहलाता है, दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम मटेरियल्स लाइक यूरेनियम, थोरियम, ठीक है ना, रेडियम इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी, पहले
बैक्वरेल साहब ने इसके बारे में देखा था, जिनके नाम पर इसका यूनिट भी है। बाद में मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, जो उनके हस्बैंड थे, दोनों हस्बैंड वाइफ ने इस पर काम किया था और आगे चीज़ों को बढ़ाया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है? इट इज स्पॉन्टेनियस मतलब वैसी चीजें जो खुद होती हैं। स्पॉन्टेनियस एमिशन एमिशन ऑफ पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बाय सर्टेन न्यूक्लियाई, किनके द्वारा? कुछ न्यूक्लियाई के द्वारा, बाय सर्टेन न्यूक्लियाई, ठीक है ना, बाय सर्टेन न्यूक्लियाई विच अंडरगो, एक देख लीजिएगा स्पेलिंग, न्यूक्लियाई विच अंडरगो डिसइंटीग्रेशन एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर इनस्टेबिलिटी, अंडरगो डिसइंटीग्रेशन एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर इनस्टेबिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर इनस्टेबिलिटी क्या कहा हमने? हमने कहा कि इट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन। कैसा एमिशन है सर? स्पॉन्टेनियस एमिशन है। एमिशन मतलब निकलना, रेडिएट करना। किसका? पार्टिकल का। कुछ पार्टिकल निकलेंगे, जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज, ठीक है ना, पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, या फिर इनसे क्या निकले? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकले बाय सर्टेन न्यूक्लियाई। कुछ न्यूक्लियाई कौन कौन से? ये सब न्यूक्लियाई हैं, अभी हमने इनका एग्जाम्पल भी देखा। आप कह सकते हैं यूरेनियम हो गया सर, थोरियम हो गया, कौन हो गया? थोरियम, यूरेनियम, थोरियम। इसके बाद आप क्या दिमाग में ला सकते हैं? यूरेनियम, थोरियम के बाद रेडियम, ऐसे सब्सटेंसेस जो हैं, जो किस नाम से भी जाने जाते हैं, इन सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। कैसे सब्सटेंस है ये सर? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो इस तरीके से स्पॉन्टेनियस एमिशन है रेडिएशन का, पार्टिकल्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का, इन तरह के सब्सटेंस से जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये घटना जो है रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। और ये क्यों होता है? विच अंडर गो डिसइंटीग्रेशन, जो टूटते हैं, डिसइंटीग्रेशन होता है, और यह डिसइंटीग्रेशन किसके कारण होता है? ड्यू टू न्यूक्लियर इनस्टेबिलिटी। किसके कारण? न्यूक्लियर इनस्टेबिलिटी के कारण ऐसा अगर हो रहा है तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब इसमें आता है डीके लॉ। डीके लॉ देखिए क्या कहता है, डीके लॉ, चलिए देखिए डीके लॉ क्या कहता है। पहले स्टेटमेंट, मान लीजिए कि आपके पास एक सैंपल है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का, और टोटल एन न्यूक्लियस है उसमें, ठीक है ना, एन न्यूक्लियस हैं, और अभी तक कोई डीके नहीं हुआ है एट टाइम टी। पहला आप कहिए कि लेट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी इज कैपिटल एन। टोटल न्यूक्लियाई है हमारे किस टाइम पर? टी पर, जब हमने देखना शुरू किया वही टाइम हमारा टी है, ठीक है। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, उसके बाद क्या होगा? द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट वुड डीके ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डी टी, वो हम लोग डी एन मान लिए। क्या मान लिए? देखिएगा, इफ डी एन न्यूक्लियाई, कितने न्यूक्लियाई? डी एन न्यूक्लियाई, ध्यान से समझिएगा इसको, डीएन न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड इन टाइम डी टी, कितना टाइम में? डी टी टाइम में कितने लोग डिसइंटीग्रेट हुए? डीएन न्यूक्लियाई अगर आपके डिसइंटीग्रेट हुए हैं इन टाइम डी टी, ठीक है, तो क्या है? मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू एन, बिकॉज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इंक्रीज द चांस ऑफ डीके। तो क्या कहें? डी टी
मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू डीएन जो है, इफ डीएनए न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड इन टाइम डीटी, देन कह सकते हैं डीएन मस्ट बी प्रोपोर्शनल, डीएन मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ, प्रोपोर्शनल टू, यहां पे लिखते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कैपिटल एन। डीएन मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कैपिटल एन। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे उतने ज्यादा लोग डीके होंगे, उतने ज्यादा लोग डिसइंटीग्रेट होंगे। तो डिसइंटीग्रेशन का जो नंबर है वो इनिशियल लिए गए न्यूक्लियस के नंबर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस कैपिटल एन पर डिपेंड करेगा, साथ ही साथ और किसके, टाइम पर भी डिपेंड करेगा। भैया जितना देर तक होगा उतने ज्यादा लोग डिसइंटीग्रेट करेंगे। तो और क्या कहेंगे, डीएन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम इंटरवल डीटी। किस पर डिपेंड करेगा सर? टाइम इंटरवल डीटी पर भी डिपेंड करेगा। कौन? इन दो बातों से। कौन कौन से दो बातों से? देन ये देखिए, यहां से एक ये बात है, हम यहां से लिख रहे हैं, देखिए इसको, ये डीएन मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कैपिटल एन, एंड साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं एंड ऑल्सो, या एंड डीएन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम इंटरवल डेल्टा टी या डीटी। डीएन किस पर डिपेंड करेगा? डीटी पर डिपेंड करेगा। तो दोनों बातों को अगर मैथमेटिकली आप लोग कहिएगा तो क्या कहिएगा कि सर डीएन, आपने कहा डीएन टोटल नंबर पर डिपेंड करेगा एंड डीएन जो है वह टाइम पर डिपेंड करेगा, टाइम इंटरवल पर डिपेंड करेगा, डीटी पर डिपेंड करेगा। दोनों को कंबाइन कीजिएगा तो क्या कह सकते हैं कि सर डीएन जो है वह एन डीटी पर डिपेंड करेगा, एन डीटी के प्रोपोर्शनल होगा। और डीएन अगर एन डीटी के प्रोपोर्शनल होगा तो आप लोग कह सकते हैं यहां से कि डीएन बाई डीटी डीटी को नीचे ले आइए, प्रोपोर्शनल टू एन। और यहां से आप क्या कह सकते हैं कि सर डीएन बाई डीटी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन। ये आया एक चीज। अब सवाल उठता है कि यहां सर माइनस क्या कर रहा है और लैम्डा क्या है यहां पर? तो माइनस जो है वो क्या शो कर रहा है कि डिसइंटीग्रेशन के कारण क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है नंबर में, डीएन नेगेटिव है। ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन डीएन इज नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव है हम सिर्फ इधर लैम्डा एन ले लेते हैं तो उधर पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल नहीं हो सकता है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डिसइंटीग्रेशन डिक्रीज कर रहा है एज टाइम इंक्रीजेज। इस बात को भी कैसे सर, शुरू में आप 50 न्यूक्लियस लिए थे तो जल्दी जल्दी डिसइंटीग्रेट होगा, और जैसे जैसे न्यूक्लियस का नंबर कम होता जाएगा वैसे वैसे उनका डिसइंटीग्रेशन का रेट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। डिसइंटीग्रेशन का रेट भी क्या होता जाएगा, कम। तो क्या कहेंगे, लैम्डा क्या है इस जगह पर, लैम्डा डीके कॉन्स्टेंट है, डीके कॉन्स्टेंट है। और दूसरा चीज क्या है, माइनस साइन इंडिकेट, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट दैट डिसइंटीग्रेशन डिक्रीजेस विथ टाइम। डिसइंटीग्रेशन समय के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, रेट धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है। ठीक है, चेंज भी आप कह सकते हैं सर, चेंज भी क्या है यहां पे नेगेटिव है, बहुत सारे फैक्टर हैं इसके नेगेटिव होने के। अब आगे हम लोग क्या कहेंगे, इतना हो गया तो अब देखिएगा, अगर ऐसा हो गया तो आप क्या कह सकते हैं कि जो हमारा डीएन है, अगर टी बराबर जीरो पर एन का वैल्यू एन नॉट है, देखिएगा इफ एट टी इज इक्वल टू जीरो एन इक्वल्स टू एन नॉट, टोटल कॉन्सेंट्रेशन अगर एन नॉट है हम लोगों का, तब क्या कहेंगे, डीएन बाई एन को नीचे ले आइए, डीएन बाई एन इंटीग्रेशन माइनस लैम्डा, डीटी को ऊपर लेके जाइए आप लोग, डीटी को ऊपर लेकर जाइए, तो डीटी यहां टाइम पर लिमिट लगाइए जीरो, तो यहां पे लगाइए एन नॉट इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या कॉन्सेंट्रेशन, टी टाइम पर आप लोगों ने कितना लिया है, एन लिया है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एन विथ रेस्पेक्ट टू
डीएन क्या कहेंगे आप लोग? सर ये होता है एलएन एन, लिमिट कहां से कहां जाएगा? एन नॉट से कहां तक? एन तक। और लैम्डा माइनस में है टी, टी पर लिमिट कहां से जाएगा? जीरो से टी तक। यहां से क्या लिखेंगे आप लोग? एलएन एन माइनस एलएन एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। कितना होगा? माइनस लैम्डा टी। लॉग ए माइनस लॉग बी होता है एलएन एन बाय एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। अगर एंटी लॉग लेते हैं लॉग का, ये हो जाएगा एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू ई पावर माइनस लैम्डा टी। तो एन इज इक्वल टू आएगा एन नॉट को ऊपर लेके जाएंगे, एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। यही आपको रिजल्ट प्रूफ करना था, वेरीफाई करना था। एक बार फिर से यहां से देख लीजिए, डीके लॉग जो होता है उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि किसी टाइम टी पर हमने क्या ले लिया है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कैपिटल एन लिया है, और डीएन न्यूक्लियाई जो हमारे क्या हुए हैं? डिसइंटीग्रेट हुए हैं इन टाइम डीटी। ये घटनाएं घट चुकी हैं। तब क्या होगी? दो बातें होंगी। जो डिसइंटीग्रेशन हुआ है डीएन का, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का। जितने न्यूक्लियाई लेंगे डिसइंटीग्रेशन उतना ज्यादा होगा, डिसइंटीग्रेशन उतना ज्यादा होगा। और दूसरी बात, जो डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियाई, डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई की संख्या है, वो इसके बाद किस पर डिपेंड करती है? टाइम पर भी। जितने ज्यादा देर के लिए होगा उतना ज्यादा लोग डिसइंटीग्रेट होंगे। दोनों को हमने कंबाइन किया, इस तरीके से वैल्यू लेकर के आए, जहां एक कॉन्स्टेंट आया लैम्डा, दैट इज डीके कॉन्स्टेंट, और एक निगेटिव साइन आया हम लोगों का। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन इंडिकेट्स दैट डिसइंटीग्रेशन जो है आपका, डिसइंटीग्रेशन जो है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिसइंटीग्रेशन हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है विथ टाइम। किसके साथ? समय के साथ हमारा डिसइंटीग्रेशन डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद आपने क्या देखा? इफ एट टी इज इक्वल टू जीरो एन इज इक्वल टू एन नॉट, दैट मीन्स जब अब शुरू वाला समय रहा होगा टी बराबर जीरो, तो हमने टोटल ले लिया न्यूक्लियाई एन नॉट थे, तो यहां से डीएन बाई एन ला सकते हैं और माइनस लैम्डा को डी टी इंटीग्रेट कर सकते हैं टी बराबर जीरो से टी बराबर टी तक। टी पर एन लिया है आपने, किसी टाइम टी पर एन था, एट अ टाइम टी, यहां देखिए एट टाइम टी कितने न्यूक्लियस थे हमारे पास? एन न्यूक्लियस थे, और उसमें से डीएन डिसइंटीग्रेट हुए थे कितने टाइम में? डी टी टाइम। तो एन नॉट से एन हमने कर दिया टी बराबर जीरो पर, ये टोटल मैथमेटिक्स है। एन बराबर एन नॉट इन टू ई पावर माइनस लैम्डा टी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 32 आपका कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या अंतर है, इस चीज को लिखिए। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि आपका प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है। ये देखिए, मान लीजिए कि सिलिकॉन लिया है आपने, तो इस तरीके से सिलिकॉन जो है अपने बगल में सभी सिलिकॉन के साथ, चार सिलिकॉन के साथ, हर एक सिलिकॉन अपने बगल के चार सिलिकॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इनके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? कितना इलेक्ट्रॉन होता है इनके वैलेंस सेल में? चार इलेक्ट्रॉन होता है। ये देखिए, ये चार इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, सर इस तरीके से इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चार इलेक्ट्रॉन सभी सिलिकॉन के पास होते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड बना करके आपस में ये क्रिस्टल बना के रहते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि ये प्योर सेमीकंडक्टर है। हिंदी में नैज अर्धचालक कहते हैं इनको, ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर, या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। कैसा सेमीकंडक्टर है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सर प्योर सेमीकंडक्टर होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखिएगा क्या होता है, इस तरीके से ये देखिए कोवैलेंट बॉन्ड बना करके थे, ये कोवैलेंट बॉन्ड, ये पूरा का पूरा आपस में क्रिस्टल जाल बना के रखते, ये इधर से सिलिकॉन से, ये नीचे के सिलिकॉन से, ये साइड में राइट साइड सिलिकॉन्स रहे होंगे, ये हम एक टुकड़ा लिए हैं सिलिकॉन का, इस तरीके से ये लोग जाल बिछा करके तैयार थे, क्रिस्टल थे। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री नहीं है, सब के सब इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं। तो एब्सोल्यूट जीरो पर, एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो केल्विन टेम्परेचर पर, जीरो केल्विन पर टेम्परेचर जब जीरो केल्विन होता है, तो जीरो केल्विन टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर के जैसा बिहेव करते हैं। कैसा बिहेव करते हैं? इंसुलेटर के जैसा। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कुछ कोवैलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, और जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो दो चीजों का जनरेशन होता है यहां पर, इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपको पता है? नेगेटिवली चार्ज्ड कैरियर हैं, जो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का चार्ज अपने साथ कैरी कराते हैं।
तो सवाल उठता है कि होल्स क्या कर रहे हैं, होल्स कहां से आए? तो जिस जगह से इलेक्ट्रॉन निकला है, जिस प्लेस को इलेक्ट्रॉन छोड़ा है कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने के कारण, उस जगह पर भाई कहीं से अगर निगेटिव चार्ज, हम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल करके कहीं और जाता है तो हम कैसा चार्ज बनते हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो उस पॉइंट पर एक पॉजिटिव सेंटर क्रिएट होता है जिसको हम लोग होल कहते हैं, और होल भी यहां मोशन में हो सकते हैं, और होल पर भी उतना ही चार्ज होता है जितना चार्ज किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो इनके अंदर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण हुई, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और इतने ज्यादा नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट नहीं होते हैं कि इनका कंडक्टिविटी बहुत बढ़िया हो, ठीक है ना। ये क्या था? प्योर सेमीकंडक्टर था। कैसा सेमीकंडक्टर था? प्योर सिलिकॉन, आप कह सकते हैं सर ये प्योर सिलिकॉन। तो दो चीजें हम लोग किए, इंप्योरिटीज मिलाए, एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाए, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाए और एक ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मिलाए। ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी, दो तरह के इंप्योरिटी हम लोगों ने इसमें मिलाया, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एंड ट्राइवैलेंट। एडिंग इंप्योरिटी क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है, मतलब डोप किया हमने, डोप्ड किया, डोप्ड किया इसको। और डोप जब करेंगे तो हमको इम्प्योर सेमीकंडक्टर मिलेगा। कैसा मिलेगा? ये देखिए, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, यहां पे सिलिकॉन हो गया, इस जगह सिलिकॉन, इस जगह सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, और यहां पे क्या मिलेगा? सेम उसी तरीके से सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, इस तरीके से आपके पास सिलिकॉन के एटम्स होंगे। इनके इलेक्ट्रॉन्स हमने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिला है, ग्रुप 15 से लिया, मान लीजिए हमने फॉस्फोरस लिया। ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मिला हमने ग्रुप 13 से लिया, मान लीजिए आपने एल्यूमिनियम लिया। तो जब अब आप इनके इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएंगे बॉस, तो ये देखिए, इनके तो चार चार इलेक्ट्रॉन थे सर, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुख दुविधा हम लोगों को है ही नहीं, लेकिन फॉस्फोरस का 5 को हो गया, पेंटावैलेंट है और ट्राइवैलेंट का 3 होता है। इस तरीके से सब अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्रिस्टल बनाने के लिए पहुंचे, ये लोग भी क्रिस्टल बनाने के लिए पहुंचे, तो कुछ इस तरह का इनका व्यवस्था हमारे पास पहुंचा, ठीक है ना। इस तरीके का व्यवस्था भाई बना, देख लीजिए आप लोग, यहां फॉस्फोरस के पास क्या हुआ सर? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा होगा, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। और यहां देखिए, तो यहां इलेक्ट्रॉन का वैकेंसी हो गया, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोगों ने नाम दिया होल, वैकेंसी किसका? ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसका वैकेंसी है? इलेक्ट्रॉन का वैकेंसी हो गया है उस जगह पे, ठीक है। तो यहां होल्स को जब चलना होगा तो देखो कैसे चलता है। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है, तो होल्स पर पॉजिटिव चार्ज मानते हैं तो राइट साइड में जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसका जगह ला करके आएगा, लेगा, तो यहां पे ये डिफ्यूज होगा, और जब डिफ्यूज होगा तो इस जगह होल क्रिएट हो जाएगा, तो होल चल गया राइट साइड में, अगला वाला से आएगा इस तरीके से होल फील्ड के डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है भाई, ये हमारे कंडक्शन के लिए सबसे बढ़िया हथियार है, चार्ज कैरियर्स है। तो ये जो दो तरह के आपके पास सेमीकंडक्टर अब दिखाई दे रहे हैं, जो इंप्योर सेमीकंडक्टर है, इसमें से एक में इलेक्ट्रॉन्स हैं ज्यादा और एक में होल्स ज्यादा हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हुए, नेगेटिव चार्ज कैरियर ज्यादा है, हमने कह दिया इनको एन टाइप। इसमें होल्स ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर ज्यादा है, हमने इनको कह दिया पी टाइप। तो दो तरह के सेमीकंडक्टर आपके पास आए, एन टाइप सेमीकंडक्टर और कौन आया? पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये दो तरह के सेमीकंडक्टर हमारे पास पहुंचे। तो सवाल ये उठता है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप? तो दोनों जो हैं, एक में पी टाइप में कौन सा इंप्योरिटी मिलाते हैं सर? पी टाइप में ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। क्या मिलाते हैं इसमें? ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी एड करते हैं, और इसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी होता है। क्या होता है इसमें? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। दूसरा, मेजोरिटी चार्ज कैरियर की बात करते हैं, इसमें होल्स होते हैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर, मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं? होल्स। और यहां पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और क्या दिमाग में रख सकते हैं? अगला डिफरेंस आप क्या कह सकते हैं? माइनॉरिटी कैरियर यहां पे होल्स हो गए,
माइनॉरिटी कैरियर, होल्स हो गया इसमें, और इसमें माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये तीसरा बात कह सकते हैं। चौथा, दोनों के दोनों न्यूट्रल हैं, दोनों के दोनों न्यूट्रल हैं, ऐसा नहीं कि नेगेटिव टाइप नेगेटिवली चार्ज है और पॉजिटिव टाइप पॉजिटिवली चार्ज, जी नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहां पे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहां पे हैं, दोनों न्यूट्रल हैं, दोनों न्यूट्रल हैं, दोनों इंप्योर हैं, माने एक्सट्रिंसिक है, दोनों एक्सट्रिंसिक है, ये भी एक्सट्रिंसिक है। तो इन बातों को आप दिमाग में रखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 में एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है व्हाट आर लॉजिक गेट्स गिव द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाना है एंड गेट के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं लॉजिक गेट को। सर लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट सुनिए, लॉजिक गेट क्या होते हैं? तो लॉजिक गेट्स आर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस, सिंपली आप कह सकते हैं लॉजिक गेट्स आर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस लॉजिक गेट्स आर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन लॉजिक गेट जो है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कंट्रोल करते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हैं फ्लो ऑफ डेटा को कंट्रोल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स, ठीक है। दूसरा चीज क्या बात में दिमाग में रखेंगे, ये तो हुआ लॉजिक गेट का बेसिक डेफिनेशन। और लॉजिक गेट जो होता है वन से अधिक इनपुट हो सकता है एंड ओनली वन आउटपुट होता है। तो लॉजिक गेट में हैव मेनी इनपुट पुट बट सिंगल आउटपुट। आउटपुट क्या होता है? सिंगल होता है। इनके पास लॉजिक गेट के पास बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं, दो या दो से अधिक इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट सिर्फ और सिर्फ कितने हो सकते हैं? एक ही हो सकता है। चलिए देखिए सर्किट डायग्राम क्या है रियलाइजेशन का, एक आपको सर्किट ड्रॉ करना है। एंड गेट एक्चुअली होता क्या है पहले उसको देखिएगा। इस तरीके से हमारे पास दो स्विचेज हैं और यहां हमने बल्ब लगा दिया और इसको सेल से कनेक्ट कर दिया सर, प्लस माइनस। जब यहां से करंट दौड़ेगा दोनों ऑफ रहेगा, बल्ब ऑफ रहेगा, एक भी ऑफ रहेगा, ये ऑन रहेगा ये ऑफ रहेगा, बल्ब ऑफ रहेगा, ये ऑन रहेगा ये ऑफ रहेगा, बल्ब ऑफ रहेगा, दोनों को दोनों ऑन होना होगा तब जाकर के बल्ब ग्लो करेगा। मतलब एंड गेट सीधा सीधा क्या होता है? लॉजिक हाई कब होता है? लॉजिक हाई तब होता है जब ऑल इनपुट्स आर हाई, सारे के सारे इनपुट क्या होने चाहिए? हाई होने चाहिए, तब जाकर के आपको क्या मिलेगा? आउटपुट हाई मिलेगा और ये बल्ब ग्लो करेगा। जो इसका सर्किट डायग्राम होता है, सर्किट डायग्राम बड़ा सिंपल है, ये दो तरीके के डायोड्स होते हैं, दो डायोड्स, अगर आप दो इनपुट दे रहे हैं तो इस तरीके से दो डायोड्स होते हैं और दोनों डायोड फिर एक जगह कनेक्टेड होते हैं। यहां पे आपको आउटपुट मिलता है वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी, इनका बुलियन अलजेब्रा होता है, इस जगह पे दे सकते हैं कितना का वी वोल्ट का पावर सप्लाई है। ये स्विच S1 और S2 जो है हम लोग इनको A और B इनपुट दे रहे हैं। क्या क्या इनपुट दे रहे हैं? A और B इनपुट दे रहे हैं। तो ये इस तरीके से आप लोग हम लोग क्या कर सकते हैं इनका सर्किट रियलाइजेशन, इनको डायोड आप जो है D1 है ये, और ये डायोड क्या है? D2 है, D1 और D2। तो ये किसका सर्किट रियलाइजेशन है? केवल एंड गेट का। सिंबल वगैरह नहीं पूछा है, ट्रूथ टेबल नहीं पूछा है, बुलियन अलजेब्रा नहीं पूछा है। वैसे सिंबल सबको पता होगा कि सर इस तरीके से एंड गेट का क्या होता है? सिंबल होता है। इसके बारे में कुछ बात नहीं करना, सिर्फ सर्किट रियलाइजेशन आपको बात करना है। आप इसको कह सकते हैं कि ये रेसिस्टेंस कितना है? आर रेसिस्टेंस है। कितना रेसिस्टेंस है? आर रेसिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 34 कह रहा है कि राइट फंक्शन ऑफ फॉलोइंग इन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो लास्ट क्लास में हम लोग
सेट वन में ये क्वेश्चन आया है, इसलिए हम नहीं यहां पे कर रहे हैं। ट्रांसमीटर किसको कहते हैं, रिसीवर किसको कहते हैं? तो ट्रांसमीटर क्या होता है, एक ऐसा इक्विपमेंट होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे सिग्नल को ट्रांसमिट करने लायक बनाता है और साथ ही साथ ट्रांसमिट भी करता है। और रिसीवर क्या होता है, इट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव रेडियो वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन कैरीड बाय देम टू यूजेबल फॉर्म। रिसीवर जो होता है रेडियो वेव को यूज करने लायक बनाता है, और ट्रांसमीटर क्या होता है, मैसेज सिग्नल को रेडियो वेव में कन्वर्ट करके या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करने का काम करता है। किसके थ्रू ट्रांसमिट करता है, चैनल के थ्रू ट्रांसमिट करता है। तो पिछला वाला सेट वन में पूरा का पूरा एकदम कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में हम लोग इसके बारे में बात किए हैं, तो वहीं पर आप इन चीजों को देख लीजिएगा। उसके बाद सेक्शन डी जो है हम लोग अगले क्लास में करेंगे, सेक्शन डी और सेक्शन ई कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब मन लगा करके पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स। झारखंड बोर्ड का एकदम एक स्पेसिफिक ट्रेंड होता है क्वेश्चन पूछने का, आप प्लीज़ उस ट्रेंड को पकड़िए और अच्छे से काम करिए, दिल लगा कर काम कीजिए। और अगर आपको हम लोग का क्लास अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब मन लगा करके पढ़िए। धन्यवाद।